नमस्कार दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग सिगरेट पीते हैं और वो सिगरेट छोड़ना भी चाहते हैं। सिगरेट पीने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, शरीर को बहुत ज़्यादा हानि होती है और सिगरेट पीने से कैंसर भी होता है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो सिगरेट छोड़ नहीं पाते, सिगरेट की तलब उन्हें सिगरेट छोड़ने नहीं देती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको सिर्फ आप एक बार लेंगे तो आपकी तलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आप सिगरेट छोड़ देंगे। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम सिगरेट पीते हैं तो ना सिर्फ हमारे शरीर को हानि होती है, हमारे परिवार को भी इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। दोस्तों, हमें सांस लेने में दिक्कत होना चालू हो जाती है। अगर आप सिगरेट काफ़ी दिनों से पी रहे हैं और चैन स्मोकर हैं और दिन में लगभग 5 से 6 सिगरेट पीते हैं या उससे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो आप दौड़ नहीं पाते और थोड़ा सा दौड़ने में आपको हाँफी आने लगती है, यहाँ तक कि आपको चलने में हाँफी आने लगती है, यहाँ तक कि कुछ चीज़ उठाने में हाँफी आने लगती है और साथ ही साथ बात करने में भी आपको हाँफी आने लगती है। तो सिगरेट पीने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो है सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रीथलेसनेस होना और हाँफी आना। धीरे 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 आपको कफ की प्रॉब्लम हो जाती है और ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें आपको कफ बनता रहता है, आप कफ निकालते रहते हैं, खांसते रहते हैं लेकिन सिगरेट पीते रहते हैं। बहुत सारा टार जो है वो सिगरेट का आपने सुना ही होगा और वो पूरा जम जाता है हमारे लंग्स में और लंग्स ख़राब हो जाते हैं और अंततः ये होता है कि कैंसर हो जाता है। और अगर आप सिगरेट पीते हैं और आपको कैंसर हुआ है तो वो कैंसर ठीक भी नहीं होता क्योंकि वो लंग्स में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और साथ ही साथ हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो सिगरेट आप छोड़ना चाहते हैं और आप छोड़ नहीं पाते क्योंकि इसकी एक तलब होती है और आपको बार बार वो तलब सिगरेट की तरफ ले जाती है और आप बार बार सिगरेट पीते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है जिसको यूज़ करने से, सिर्फ एक बार यूज़ करने से, दो बार नहीं, सिर्फ एक बार उसे पीने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और तलब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपकी तलब धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेडिसिन सिर्फ आपको एक बार लेनी है। दोस्तों, यह मेडिसिन है कैलेडियम। दोस्तों, कैलेडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, सिगरेट छोड़ने वाले पेशेंट्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए और कैलेडियम आप CM पोटेंसी में यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, ना 1 mm पोटेंसी में, ना 200 पोटेंसी में, ना 30 पोटेंसी में, ना उससे लो पोटेंसी में, सबसे हाई पोटेंसी में कैलेडियम आपको CM पोटेंसी में यूज़ करना है और सिर्फ एक बार लेना है। तो दोस्तों, कैलेडियम करती क्या है, ये तलब को धीरे 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 लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अपने आप आपकी तलब कम हो जाती है और तलब ठीक हो जाती है जिसके कारण आपको सिगरेट पीने की अंदर से जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी आपके ऊपर है कि उसके बाद भी अगर आप सिगरेट पीना चाहें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तलब अगर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आप सिगरेट पीना आसानी से छोड़ सकते हैं। तो कैलेडियम CM पोटेंसी में कैसे लेना है, सिर्फ एक बार लेना है, 5 बूंद लेना है डायरेक्टली टंग में। तो सुबह सुबह उठिए, खाली पेट कुल्ला करिए, ब्रश करिए, उसके 1 घंटे बाद आप कैलेडियम CM लीजिए, 5 बूंद डायरेक्टली आप टंग में, जीभ में अपने डालिए, बस इतना ही करना है, सिर्फ एक बार ही लेना है कैलेडियम CM, आपको सिर्फ एक बार लेना है। दोस्तों, यह आपको ध्यान देना है, धीरे 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 1-2 दिन के अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी तलब जो है वो कम हो रही है। अगर आपकी तलब कम होती है तो सिगरेट जेब में मत रखिए, ना सिगरेट पीजिए, धीरे 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 सिगरेट आप पीना कम कर देंगे और आपकी तलब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। 10 से 15 दिन के अंदर आपकी तलब पूरी तरीके से कैलेडियम से ठीक हो जाती है, कैलेडियम 10 mm यूज़ करने से। सिर्फ सिंगल डोज यूज़ करना है, 2 बार या 3 बार नहीं लेना, सिर्फ एक बार लेना है। अगर ये आपको फ़ायदा करेगी तो बिल्कुल एक बार में ही आपको फ़ायदा दिखेगा और एक बार में ही आपकी तलब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ये सिगरेट जल्दी से जल्दी छोड़ दें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज आते रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जा
जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों नीचे एक मैसेज सेक्शन है, तो मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।